पीएम नरेंद्र मोदी का अभी अभी ताजा खबर, पूरे भारत देश को लॉकडाउन करने का आदेश दिया है। पीएम मोदी ऑन कोरोना वायरस लाइव। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात 8 बजे से देश को संबोधित किया और जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए देश का धन्यवाद किया। लॉकडाउन की लापरवाही से नाराज पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को बचाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे। 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है, लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बीमारी के लक्षणों के दौरान बिना डॉक्टरों की सलाह के कोई भी दवा ना ले। किसी भी तरह का खिलवाड़ अपने जीवन को और खतरे में डाल सकता है। लेकिन साथियों, ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अनजाने कई बार अफवाहें भी फैलती है। मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह की अफवाह और अंधविश्वास से बचें। मैंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इस समय उसकी पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही होनी चाहिए, हेल्थ केयर की प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्शन तय करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। निश्चित तौर पर इस लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की, हर राज्य की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस देश में जहां भी हैं वहीं रहें। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का यह फैसला आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए है, क्योंकि अगर हमने 21 दिनों के लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया है। मैं जानता हूं यह बहुत ही कठिन फैसला है, लेकिन आपको बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए ऐसा कठिन फैसला लेना पड़ता है। मुझे विश्वास है हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा। 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है, लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बीमारी के लक्षण के दौरान बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना ले। किसी भी तरह का खिलवाड़ आपके जीवन को और खतरा में डाल सकता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बीमारी के लक्षण के दौरान बिना डॉक्टर की सलाह की दवा ना ले। किसी भी तरह का खिलवाड़ आपके जीवन को और खतरे को डाल सकता है। लेकिन साथियों, ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अनजाने कई बार अफवाहें भी फैलती है। मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह की अफवाह और अंधविश्वास से बचें। मैंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इस समय की उनकी पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही होनी चाहिए, हेल्थ केयर की प्राथमिकता होनी चाहिए।